हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में, जहाँ पे आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकेन जेल के बारे में, जिसका मुख्य यूज़ गैस और हार्ट बर्न के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही इसके और भी फायदे हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं, इसका डोज क्या होना चाहिए, कितने रुपए में मिल जाएगी, किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या प्रेगनेंसी में यह दवा लेना सेफ है। पॉलीकेन जेल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलीकेन जेल के बारे में। दोस्तों, पॉलीकेन जेल 120 ml और 200 ml की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी, और इसके अंदर मिगाल्ड्रेट, बेंजोकेन और सिमेथिकोन डाले होते हैं, और इसके 200 ml बोतल का प्राइस है लगभग 195 रुपीज़, और ये आपको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आइए आप जानते हैं पॉलीकेन जेल के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका मुख्य यूज़ पेट में गैस और बदहजमी को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पेट में गैस को हम आंतों की गैस और पेट फूलना के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अपशिष्ट गैस होती है जो पाचन के दौरान बनती है। यह गैस आमतौर पर गुदा से होते हुए कई बार गंध और आवाज़ के साथ बाहर निकलती है। इसके लक्षणों में पेट में गैस निकलना, डकार लेना, पेट फूलना और पेट में दर्द व बेचैनी शामिल हैं। ऐसे में अगर किसी के पेट में अधिक गैस बढ़ती हो तो वो पॉलीकेन जेल का यूज़ कर सकते हैं। आगे है बदहजमी, जिसे अपच के रूप में भी जाना जाता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाला दर्द या बेचैनी है। इसके साथ सीने में जलन, मतली, डकार, पेट का भरा हुआ महसूस होना और पेट के ऊपरी हिस्से में सूजन महसूस होना इसके मुख्य लक्षण हैं। तो ऐसे में यदि किसी को बदहजमी की समस्या हो तो वो भी पॉलीकेन जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा पेट में गैस का दर्द, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट का खराब होना और हाइटल हर्निया जैसी समस्याओं में भी पॉलीकेन जेल काफ़ी फायदेमंद है। इन सभी के साथ पेट में अल्सर और हार्ट बर्न जैसी समस्याओं में भी पॉलीकेन जेल लाभकारी है। दोस्तों, यह तो थे पॉलीकेन जेल के कुछ फ़ायदे, और हो सकता है डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस से किसी और बीमारी में भी इसका यूज़ लेते हो। आइए आप जानते हैं प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, पॉलीकेन जेल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में लेना सेफ है, बट फिर भी ऐसी स्थिति में इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा किडनी रोग, लीवर रोग और हार्ट रोगों में भी सेफ है, बट ऐसी सिचुएशन में भी इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। आइए आप जानते हैं पॉलीकेन जेल के डोज के बारे में। तो दोस्तों, 2 चम्मच यानी 10 ml पॉलीकेन जेल दिन में 2 बार ले सकते हो, और आवश्यकता होने पर 3 से 4 घंटे के अंतराल में दे सकते हो। इसे खाने के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है। बेहतर होगा डोज आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही लें, क्योंकि ओवरडोज लेने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए आप जानते हैं पॉलीकेन जेल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसे लेने से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे चाट जैसा स्वाद लगना, कब्ज हो सकती है और दस्त की समस्या भी हो सकती है। साथ ही जी मिचलाना और सिर दर्द भी हो सकता है। या इनके अलावा अगर आपको कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे और वो लंबे समय तक बना रहे, तो तुरंत इसे लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों, यह तो थी पॉलीकेन जेल के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सके। और यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेडिसिन के बारे में जानकारी लेकर।